तो इसके अंदर आग देख ही सकते हो भैया, मेरा मोबाइल का भी टेंशन है, आग की लपट बहुत तेज है। In 400 meters, sharp right onto Veer Durgadas Mark. तो भैया हम हमारी लोकेशन में पहुंच गए, तो भाई की दुकान भी है छोटी और मंदिर भी है, चलो अंदर चलते हैं। तो हेलो सब्सक्राइबर, मैं हूं अभिषेक मेहता और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। आज हम बताने वाले हैं कि देसी ईंट और भट्टा कैसे चलता है काम, मतलब उन पर कैसे काम चलता है और उनके बनने की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथ में चिमनी भी, तो चिमनी में वहां पर मज़दूर कैसे काम करते हैं, मजदूर नहीं बोले भैया क्या बता, वो उनके मालिक ही हो, भट्टे के मालिक ही से बात कर ले अपन, मतलब बगदा शुक्ला जो भी बोल लो इसको आप। तो ये है, इसका भी काम लेते हैं छोटी भट्टियों पर। ये कच्ची ईट है, क्या लिखा भैया, मेरा नाम लिखा लू क्या, एमपी तेरा मेहताब लोग लिख दो भैया इस पे। यार के बाद फिर वहां जाती है वो। अच्छा यहाँ बनेगी, छिपेगी और वहाँ पहुंचेगी। अपने नाम की छपा लाते हैं यार अपन, क्या लोगों के घर में अपने नाम की ईट चलेगी। पुराना तरीका तो आप सभी को पता ही है, ये सुखाने के लिए रख दी इन्होंने ईंटें, और ये जो घोल बनता है ये दो तरह से बनता है, एक तरह से तो आपने ये वाला देख लिया और दूसरा आपने मशीन वाला देख लिया था आपने, तो कितना ही बड़ा है यार। इसमें सुबह सुबह उतरते हैं वो भैया थे ना, वो उतरते हैं पाउडर से यूं करते हैं, बहुत मेहनत लगती है यार। सोच ठंड में कितनी ठंड लगती है, ठंड में तो भैया कड़क हो जाते हैं अपन तो। थोड़ा टाइम से लेट आया हूँ, ये गारा इसमें गिरा देते हैं नीचे की ओर, और ये मशीन है तो क्या है आजकल क्या सब आधुनिक काम हो गया है, ये गियर वाली मशीन है, इसमें घोल बन जाता है और घोल इधर आगे आते जाता है, और वो जो दिख रहा है पूरा गारा, ये पूरा गारा अच्छे से मथा जाता है। तो भैया इनके VIP घर देख लो मतलब इनकी तो भट्टी साइड में, तो अब इनको नहीं जाना पड़ता है, आप यहीं रहते हो और सही है। ये भी ये छल्ला वाला जो रेत वेत छानने, इनका छानने का काम होगा ना, मशीन से घोल बनाते हो क्या, किधर से मतलब आज तक घोल नहीं बनता है, मेहनत नहीं करते मेरा ज्यादा है, मशीन का काम लेते हैं। ये कोयला है के सामने, हाँ इनकी भट्टी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, मैंने तो पहली बार देखी इतनी बड़ी भट्टी, लेकर नहीं वो तो छोड़ो रोड का। तो ये भैया ये कोयला है, और यही कोयला यूज करते हैं ना आप, इसका यूज करने का तरीका क्या है? इसका यूज करने का तरीका है कि जैसे कि हम लोग लेके आते हैं वहाँ टब में भरते हैं, तो हम उसको टोकरी में लेके डालते हैं, उसमें गेप में कोचरों में डाल देते होंगे, कम 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 थोड़ा मतलब पूरे में भिजाते जाते हैं। अच्छा अच्छा, उस जो तवे देखे मैंने अभी, उसमें ऊपर से भुरभुरा रंग पड़ता है बाद में, चलो अच्छा है ठीक है। ये कोयला कच्चा कोयला है ना, सही है। तो दादा जैसे कि अपन ने अभी वो देखा कि जो भट्टी चल रही है, तो ये वाली जो ईट है जो सामने मेरे, ये पक चुकी है ना, और ये वाली कच्ची है, ये कच्ची ईट है, तो अब इसमें क्या इनको भी ऐसे लाइन से मारोगे? हाँ इसे जैसे बना हुआ है ना ऐसे इसको बनाते चले जाएंगे, हाँ और पीछे से हम पकाते चले जाएंगे। अच्छा पीछे का काम चलते रहता है गर्मी का, वो उधर जब पकती जाती है साथ में बनने का भी काम चलते जाता होगा, तो आप बनने की प्रोसेस भी बताओगे कैसे क्या बनती है, किधर बनाने काम इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो आप एक कोई से बताना मुझे, वो सामने जूम कर लो, अच्छा उधर चला, ठीक है उधर चला ना पीछे, हाँ तो पीछे भी चलते हैं अभी, और जैसे कि आप वो देख रहे हो पक चुकी है, उधर साइड वाली जो मैंने आपको बताई थी अभी भट्टी वाली, तो उसमें आग का काम चल रहा है, मतलब उसमें हीट दे रहे ईंटों को ताकि वो कड़क हो जाए, और ये वाली जो कच्ची ईंट है इसमें आप गैप देख सकते हैं कितनी गैप है, कितनी कम से कम 10 फीट रखते होंगे, अंदाजन 10 फीट, और 10 फीट तो होगा
अंदाजन 10 फीट, और साथ में इनकी दूरियां भी रखते हैं ताकि इनमें गर्मी सबको बराबर नहीं लग सके। और ये इसे तोकने का काम होगा। चलो आगे चलते हैं और बनने की प्रोसेस। तो आपको नीचे एक गेट दिख रहा होगा, जैसे कि पुराने किले में अपन गेट देखते हैं, सही गेट है। और इसमें वो चाबी लगी है, मेरे को दादा ने बताया है। थोड़ा जूम करके चलते हैं चाबी के पास। हाँ तो दादा, इनका क्या मतलब इन चाबियों का? ये चाबियों क्या है कि इधर पक चुका है, तो चाबी बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, उधर पक रहा है, उधर पक चुका है ना, उधर का बंद कर दिए हैं। जब इधर आ जाएंगे तो उधर खुल जाएगा। अच्छा, इधर आग आ जाएगी तो उधर खुल जाएगा। अच्छा, मतलब आप अभी उधर उधर उनको गर्मी देना है तो उधर के लिए चालू रखा है। और इसमें से धुआं नहीं निकलता? अभी धुआं नहीं निकल, झुकान नहीं लगा हुआ, अभी लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो आप तो 2 मिनट हो गया। नहीं नहीं नहीं, आप तो मेरे लिखता मत करो, इतना ही बहुत है। बाकी ये जो जो चाबियों का टाइप है, मतलब जैसे कि अभी अपना, चलो पास से भी देख लेते हैं। ये चाबी है ना, तो ये लोहे के गेट लगा रखे, इससे क्या है ये गर्म भी होगा गेट तो? हाँ, गर्म है पूरा एकदम। यहाँ जो रखने पे खराब रहेगा, ट्यूब के अंदर भी चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे को भैया मेरा तंदूर नहीं बनवाना है। हाँ अभी थोड़ा कम गर्म है। हाँ, तो आगे निकल गया आज ना। हाँ, कम हो गया। अच्छा, इधर कम हो गया टेम्परेचर है ना। तो ये जो लोहे के गेट देख रहे हैं, इससे आग को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस बीच से सारा काम होना है। हाँ, यहाँ से सारा काम होना, जैसे चिमनी झोंकते हैं। हाँ, धुआं खींच के यहाँ आता है, हाथ निकलता है। अच्छा, उधर पीला बाहर निकल जाता है ना। उधर करेंगे तो ऐसे नाला पूरा बना, यहाँ से यहाँ पूरा वहाँ तक बना है, जहाँ गोलाई तक है ना। हाँ, यहाँ से वहाँ तक बन देना। हाँ, सीधा सीधा सही है। तो अभी इसका मतलब इनका काम, मेन काम यही है कि आप इससे आग को ट्रांसफर करते हो इधर से उधर। मतलब अभी इधर ये जो दिख रहे हैं ना, उन सभी पे छोटे छोटे लोहे के कड़े टाइप लगे हुए हैं, उल्टे तवे मान लो। तो उनको लग रहा है जितने भी टापू दिख रहे हैं छोटे छोटे, उन सभी पे एक जैसा रखा है। उसके बाद में जो प्रोसेस उधर चालू हो जाएगी, अभी हम वहाँ सामने खड़े हुए थे, अभी इधर से बता दूँ मैं आपको, वो प्रोसेस चालू हो जाएगी। और ये उतना काम हो चुका है उनका, अब ये धीरे 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 पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच जाएगा। तो इस तरह से एड़ बनती है। दादा इतनी आग पर जल नहीं जाएगी? वो कोयला डालेंगे तो जलेगी। अच्छा, कोयला से तो जल रही है, मैं बोल रहा हूँ। चिमनी में भी बता देंगे अपन अभी। तो जैसे कि आपने अंदर देखा, ये पूरा जितनी भी गर्मी चल रही है इसके अंदर, ये यहाँ से लेके उस कोने तक चल रहा है। और सेम प्रोसेस जितना भी आप ये छोटे छोटे टापू टाइप देख रहे हैं, सभी में एक जैसी प्रोसेस चल रही है। पूरे को बनाकर इन सब में कोयला डाल रखा है। कोई तो इसके अंदर आग देख ही सकता भैया, मेरा मोबाइल का भी टेंशन है, आग की लपट बहुत तेज है। और अंदर की आग की टेम्परेचर अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये पूरा यहाँ से लेके, ठीक है, ये पूरा समझ सकते हैं कितना। ये बंद क्यों कर रहे हो आप? ये पक गई इधर की। अच्छा, इसलिए बंद कर रहे हो ना आप? अच्छा, ये जो तवे हैं ये आगे बढ़ते जाएंगे और ये ईंट से आप इनको बूढ़ते जाओगे। सही है। मैंने तो अभी तक वो पुराने भट्टे ही देखे थे, वो ईंट उन जमाते थे, उसमें थोड़ा घास फूस डाल के। मॉडर्न तरीके से काम ले रहे हो मतलब आप? तो भी एक ईट का ट्रायल करके दिखाया, गजब यार भाई, मतलब हाँ नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, ईट भी नहीं टूट रही यार, इनकी ईट कितनी मजबूत है इधर की। मतलब ईट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब ईट से देना, तो यहाँ पे आओ, ये ईट लेके चलो। ये जो कोयला है, ये दादा डाल के दिखाएंगे अब उसके अंदर। कहाँ मालूम कैसे पड़ेगा कि नेक्स्ट मतलब कौन सा गड्ढा कौन सा है? निशान कर रखा होगा ना? अच्छा, ये दिख रखा है ना? हाँ, ये दिख रखे हैं गेट छोटे छोटे। हाँ हाँ, समय दे दिया आपको पूरा समय यार। तो भैया अब हम इसमें से धुआं निकाल के दिखाएंगे, मतलब मेन नहीं, दादा धुआं निकाल के दिखाएंगे। तो बस वीडियो देखते जाओ और धुआं निकालते जाए। अब धुआं निकालेंगे आपके लिए गेट। और मैं आपको एक बात और बोल दूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे इतनी हीट है, मतलब इतनी तेज गर्मी है, अगर आप थोड़ी देर के लिए हाथ रख लो तो आपका हाथ पूरा जल जाएगा। दादा के पैर के पीछे धुआं देख लो आप,
और उससे अंदाजा लगा सकते हो। मैं ज़्यादा पास में मोबाइल लेके जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मोबाइल को इतनी हीट दे नहीं सकता हूँ, पर जूम तो करेंगे अपन। देख रहे हो लावा है, बिल्कुल भैया लावा। दादा ये आपकी चप्पल थोड़ी अलग, मतलब चप्पल ही दादा की, बिल्कुल चप्पल एंटीक है। काय की दादा ये? लकड़ी का, लकड़ी की चप्पल। और ये पहन, ये गर्मी के से बचने के लिए। बाकी ये जूते चप्पल तो जल जाते होंगे। अब मेरे को कोई समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको कि ये चप्पल क्यों बन रहे हैं, आप खुद ही समझ सकते हो कि भैया यहाँ की गर्मी और टेम्परेचर को भैया ने धुआं डालने का व्यवस्था कर दी है। अब अपन निकालेंगे, अपन नहीं फिर भैया निकालेंगे धुआं। चलो हो जा बूम। में जैसे ही कोयला जा रहा है और धुआं चालू हो गया है, पास में चलते हैं जल्दी और जल्दी भग के आ जाएंगे ऑफिस से। बुरो 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 भैया, मेरे तो जूते जल गए, जल्दी हटा दो। एक और एक और तो आप सभी को पूरा मैंने भट्टे के बारे में बता दिया है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे @abhishekmehtaMP13MehtabLohgar या कुछ भी लिखकर अपना क्वेश्चन लिखें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, आपको जवाब ज़रूर दूंगा।